नमस्कार, मैं श्रीमती सुनीता चंद्राकर, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पहांदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैंने निष्ठा 2.0 शिक्षक प्रशिक्षण, जो अगस्त 2021 में ऑनलाइन मोड में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर प्रदान किया गया, इसके 12 मॉड्यूल पूर्ण किए हैं। इसका सर्टिफिकेट भी मुझे प्राप्त हुआ है। कोर्स की विषय वस्तु जो पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित थी, अब विद्यार्थी केंद्रित होने के कारण ही यह कक्षा शिक्षा में बहुत मददगार साबित हुए। जैसे समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के तहत किसी बहुत बड़े विद्यालय या बहुत बड़े कक्षा का होना आवश्यक नहीं है। एक किसी भी जगह पर हम समान शिक्षा, समान व्यवहार के तहत सभी बच्चों को दे सकते हैं। बस देखना यह है कि सीखने में अंतर की पहचान करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। अतः कक्षा में विविधता का जश्न मनाता वातावरण, इस बात का मैं हमेशा कक्षा में ध्यान रखती हूँ। प्रशिक्षण को पूर्ण करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह प्रशिक्षण एक बार नहीं लगभग दो बार दिया गया, ये मान के चलना चाहिए। क्योंकि एक ही चीज़ को पहले ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिया गया, दूसरे उसी चीज़ को लिखित सामग्री के रूप में हमें प्रदान किया गया, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया। और यह शिक्षण, जैसे कि मैं पहले बताई हूँ कि शिक्षक केंद्रित नहीं होकर के विद्यार्थी केंद्रित था। जैसे कि इसमें पूर्णतः शिक्षा का जो पूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो सर्वांगीण विकास के तहत इस पूरे निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण में खेल के बारे में बताया गया, योगा के बारे में भी बताया गया है। मतलब ये ध्यान रखा गया है कि खेल योग की जानकारी, पुस्तकालय, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन, शिक्षण अधिगम और आकलन में ICT को भी शामिल किया गया है। पर्यावरण अध्ययन को भी इस शिक्षण में शामिल किया गया है, जो सराहनीय है। निष्ठा 2.0 में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आई, बल्कि मैं चाहती हूँ कि यह प्रशिक्षण जो है ऑफलाइन भी प्रदान की जाए और सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य की जाए। धन्यवाद।